कॉमर्स क्लासेस में मैं कुलदीप जांगिड़ आपका स्वागत करता हूं। आज देखने जा रहे हैं IQR इंटर क्वार्टाइल रेंज स्टेट्स का पार्ट है एक इंटर क्वार्टाइल रेंज, जिसके अंदर आपको क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है Q3 - Q1। IQR का फॉर्मूला है Q3 - Q1। अगर आप इनको अलग अलग सीरीज में देखो, Q3 और Q1 को अलग अलग सीरीज में देखो, पहली सीरीज आपकी इंडिविजुअल, अगर इंडिविजुअल सीरीज के अंदर आपको Q3 और Q1 का मतलब देखना है तो पहले फॉर्मूला देखेंगे Q1। Q1 का फॉर्मूला होता है n+1/4 और Q3 का फॉर्मूला होता है n+1/4 × 3। अगर आप एक सिंपल सा सीरीज लेते हो, जैसे कुछ संख्या ली मैंने, ये तो सीरियल नंबर है और x दे रखा है अपने को 3, 5, 7, 9 और 12, ये संख्या ली है। अगर आप इन्हें काउंट करते हो, आप इन्हें काउंट करते हो तो कितना होता है 3+5+7+9+12 होता है 36, ठीक है ना। अगेन रिपीट कर लेते हैं अपन 3+5+7+9 9+12 36 होता है। ओके, ये इनकी काउंटिंग सीरियल नंबर दे रखे हैं, टोटल एन कितने हो गए 5। अब अपने को इन फॉर्मूला में रखना है डेटा, फॉर्मूला में डेटा रखना है एन 5+1/4 × 1 6/4 करेंगे 6/4 कितना आ रहा है डेटा 1.5, डेटा कितना आ रहा है 1.5। अब देखो 1.5 आ रहा है ना, अगर 1 आता तो मैं 3 ले लेता, 2 आता तो मैं 5 ले लेता, कितना आ रहा है 1.5। तो देखो सिंपल सा पैटर्न है, केवल इंडिविजुअल में ऐसा करेंगे, आ रहा है आपके डेटा 1.5। तो इस 1.5 को सॉल्व कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा, इंडिविजुअल में ही सबसे बड़ी समस्या होती है, अदरवाइज डिस्क्रीट और कंटिन्यूस में फ्रीक्वेंसी दे रखी होती है तो आप डायरेक्ट ले लेते हो वो सीएफ निकाल के, लेकिन इंडिविजुअल में कैसे लेंगे, देखो 1 के सामने क्या है, 1 के सामने 3 दे रखा है, देन अब कितना बच गया आपने 0.5, तो इसका क्या करेंगे आप, इनका अंतर कितना है, इसका अंतर 2 है, 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई करना है आपको, 0.5 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, डेटा आएगा 1, काउंट करेंगे तो Q1 कितना कहलाएगा 3+1 4। इस तरीके से निकालेंगे इंडिविजुअल सीरीज में, अगर पॉइंट्स में डेटा आता है तो इस तरीके से निकालेंगे, 1 के सामने 3 है डायरेक्ट ले लिया, जो पॉइंट्स की संख्या कितनी है 0.5, तो इसका डिफरेंस लेंगे इंटू 0.5, ठीक है। अब अपन देखेंगे Q3 के लिए क्या है, 1.5 ये निकल गया, 1n+1/4 इंटू 3 करेंगे तो 1.5 को आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है, डेटा आ जाता है आपके पास में 4.5, ये निकाला आपने Q1, अब निकालने जा रहे हैं Q3, 4.5 डेटा आ गया तो क्या करेंगे, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 4 के सामने क्या है, सीरियल नंबर 4 है ना, 4 के सामने कितनी संख्या दे रखी है 9 रख देंगे, फिर कितना बच गया 0.5, इनका अंतर क्या है, अंतर कितना है 3 का, 0.5 × 3 कितना आएगा 1.5, काउंट कर लेंगे तो ये आ जाएगा 10.5, ये कहलाएगा Q3, Q1 और Q3 इंडिविजुअल सीरीज में Q1 Q3 इस तरीके से निकालेंगे। अब आपको क्या निकालना है, IQR निकालना है तो Q3 10.5 निकाला आपने, ये रहा यहाँ पे, माइनस Q1 कितना निकाला आपने 4, 10.5 - 4 करेंगे तो आ जाएगा IQR 6.5। इस तरीके से आप इंडिविजुअल सीरीज में IQR कैलकुलेट करेंगे। अब अपन देख लेते हैं इंटर क्वार्टर रेंज इंडिविजुअल देखा अपन ने, अब देख लेते हैं डिस्क्रीट सीरीज में, डिस्क्रीट सीरीज में इंटर क्वार्टाइल रेंज देखेंगे अपन, अलग अलग सीरीज होती है तो अलग अलग कैलकुलेशन करनी पड़ती है, डिस्क्रीट सीरीज में
आपको x दे रखी होती है और f दे रखी होती है। x जैसे दे दिया, ये x दे दिया, f दे दिया, ये आपको फ्रीक्वेंसी दे दी। जब भी IQR निकालते हैं आपको CF निकालना है। CF निकालेंगे कैसे, निकलती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 3, 3 and 4, 7, 7 and 10, 17 plus 12, 29 plus 15, 44। ये CF निकाली। अब आपको क्या करना है, जस्ट आपने CF निकाली है, आपको Q3 और Q1 के फॉर्मूले लगाने हैं। फॉर्मूला वही रखना है, n प्लस 1 अपॉन में फोर्थ, और इसका n प्लस 1 अपॉन में फोर्थ मल्टीप्लाई 3। ओके, कैसे लगाएंगे, n क्या होएगा यहाँ पे देखना। ये होता है n, डिस्क्रीट सीरीज में जो फ्रीक्वेंसी होती है उनकी टोटल कहलाती है n। अगर आप टोटल लगाओ तो सिंपल सा है, कैलकुलेटर से लगा लेते हैं, जल्दी निकल जाएगा 44। डायरेक्ट आप कैलकुलेशन भी कर सकते हो, और CF की जो लास्ट टोटल होती है वही N कहलाएगी आपकी, क्योंकि आपने यही टोटल लगाई है यहाँ पे 44। मैच करने के लिए आप इधर की टोटल भी लगा सकते हो। Q1 N प्लस 1 44 प्लस 1 अपॉन में 4 मीन्स 45 अपॉन में 4। कैसे सॉल्व करेंगे, 45 अपॉन में 4 करेंगे, डेटा आएगा आपके पास में 11.25। ये इंडिविजुअल सीरीज नहीं है, ये डिस्क्रीट सीरीज है जिसके अंदर CF दे रखी है। CF में देखेंगे 11.25 कहाँ पे कवर हो रहा है, इस जगह कवर हो रहा है 11.25 के सामने जो X दे रखा है, इसके सामने जो X दे रखा है यही कहलाएगा Q1। Q1 बराबर 3। ओके, Q1 बराबर 3, ये कहलाएगा अपने Q1। इसी तरीके से Q3 निकालेंगे, ये डेटा तो कैलकुलेट कर चुके हैं, 11.25 इंटू कर दूं मैं 3 से, 11.25 इंटू 3, डेटा आएगा 33.75। कितना आएगा डेटा, 33.75। यहाँ पे देखेंगे 33.75 किस जगह कवर हो रहा है, 44 में कवर हो रहा है, 44 में कवर हो रहा है, इसके सामने जो x है वो कहलाएगा Q3। Q3 बराबर 5। देखे बच्चे क्या गलती करते हैं, इन दोनों को निकाल के आ जाते हैं और उन्हें ही Q1 Q3 बोल देते हैं, इसे Q1 बोल देते हैं, इसे Q3 बोल देते हैं, गलत हो जाएगा आपका। Q1 इसके सामने x देखनी पड़ेगी, x देखेंगे वो Q3 और Q1 कहलाएगा। IQR निकालेंगे डिस्क्रीट सीरीज में तो Q3 माइनस Q1, 5 माइनस 3, 2। IQR कहलाएगा इंटर क्वार्टाइल रेंज कहलाएगा। कंटिन्यूसली हमारी वीडियोस देखने के लिए हमारे पेजेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, व्यूज़ कीजिए, अच्छा लगा हो कमेंट कीजिए, अच्छे कमेंट कीजिए। और अगर नोट्स प्ले स्टोर से आप ले सकते हो, मेरिडियन राइज हमारी ऐप है, उस पर हमारे प्लेस सारे नोट्स डाले हुए हैं, आप चाहो तो आप वहाँ से ले सकते हो। हमारी वीडियोज़ के लिए, देखने के लिए धन्यवाद।